ये देखो लड़कियों का पैकेट लेके घूमता है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी फिलहाल मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, तो आज का आउटफिट कुछ इस तरीके का है। तो 7 बजे का उठा हूँ और अभी 7:30 हो गए, सब नहा धो के चले गए हैं, मैं ही अकेला इधर हूँ। तो फटाफट जाते दर्शन करने के लिए, वहाँ पर मैं जितना हो सकता है उतना मैं कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। कल मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो चलते मंदिर में दर्शन करने के। पहले मंदिर के लिए 2 गेट होते हैं, एक यहाँ से जाना होता है और एक यहाँ से, तो हम यहाँ से जाएंगे। फिलहाल अभी दर्शन तो कर लिए, तो अभी प्रदक्षिणा घूम लेते हैं, तो उसके बाद जाते हैं बाहर चाय नाश्ता करने या फिर माँ लक्ष्मी माता के मंदिर में। अंदर से तो नहीं दिखा सकते, पर बाहर से तो दिखा सकते ना, बराबर दिख नहीं रहे बाहर वो सनलाइट की वजह से। और मंदिर के हर तरफ ये स्क्रीन लगी रहती है जिसमें आप देख सको अंदर भीड़ हो। तो मैं जब प्रदक्षिणा घूम रहा था तब इन लोगों ने प्रसाद ले लिया, तो चलो अभी चलते हैं बाहर माँ लक्ष्मी माता के मंदिर में। देखो इधर से बराबर भगवान दिख रहे। तो अभी फिलहाल चाय और कॉफी पीने आए, तो उसके बाद सीधा निकलेंगे हम माँ लक्ष्मी माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। माँ लक्ष्मी माता के मंदिर में दर्शन हो चुके, तो अभी जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में। तो अभी फिलहाल मस्त दर्शन हो गए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर तो नहीं दिखा सकता, बाहर दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह श्रृंगार हुआ है भगवान का। अभी एक और बार दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं गोमती नदी। तो फिलहाल दर्शन तो हो चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं गोमती घाट। गोमती घाट के पास छोटे छोटे मंदिर है, अभी दूसरा मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको, सामने गणेश जी का मंदिर। ये वाली वही गोमती नदी है जहाँ पर पिछली बार हम दोस्त के साथ आए थे, बहुत मज़ा किया था, इधर बोटिंग भी की थी, बहुत मज़ा आया था। और अभी आज फैमिली के साथ आए तो बोटिंग नहीं करेंगे, पर गाय को आटा खिलाएंगे गाय को, तो चलो फटाफट गाय को आटा खिला देते और उसके बाद जाते हैं रूम पर। नाश्ता रूम पर ही आ जाएगा, गोटा देखो, गोटा उस दिन भी नहीं खाया था, मैं ले लूँगा डाबेली या फिर वड़ा पाव। तो फाइनली आटा वो सब ले लिया है। पर गाय को आटा तो खिला दिया और गोमती घाट पर दर्शन भी कर लिए, तो अभी जा रहे हैं धर्मशाला पर। तो वो लोग नाश्ता ले रहे हैं और मैं जा रहा हूँ धर्मशाला पर, तो मेरा इधर से नाश्ता आएगा, हम डाबेली भी ले लेंगे और वड़ा पाव भी ले लेंगे। जो अभी आपको मैंने दिखा है ना, वो हमारे घर के पास के ही थे, सलावतपुरा ताड़ोरी शेरी से।
तो वो लोग चलकर आए थे इधर, अभी वो लोग मंदिर है ना वहाँ पर ध्वजा चढ़ाएंगे। मतलब उन लोगों ने इनविटेशन भी दिया मेरे को कि भाई तुम इधर ही खा लेना, पर हम लोग तो अभी इधर से निकल रहे, तो वो लोग भी आ गए, ईशान वो सब भी आ गए नाश्ता लेकर। तो मैं फिलहाल फास्ट फूड लेने के लिए जा रहा हूँ और डाबेलिया वड़ा पाव। हम लोग लेके आ चुके हैं पानी की बोतल और फास्ट फूड। यार इन लोगों ने तो नाश्ता कर दिया गोटा का, गोटा और भजिया लाए थे, और हम अभी वड़ा पाव और डाबेली खाएंगे। मैं बाहर ईशान के साथ लेने के लिए गया था तो इन लोगों ने नाश्ता कर दिया, तो चलो फटाफट हम ये नाश्ता कर देते और फिर निकलते हैं सूरत के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, सब सामान अंदर रख रहे हैं। तो इधर हम कभी भी आते हैं ना तभी सोडा या फिर नींबू शरबत पीते, तो अभी बार वहीं पीने जा रहे हैं नींबू शरबत या सोडा, तो चलो चलते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे सूरत। चुके गाड़ी में, अभी सूरत के लिए निकलेंगे। 228 किलोमीटर है तो पहुंचने में कम से कम 4.5 घंटे लगेंगे, और बीच में लंच के लिए खड़ी रखेंगे। छोड़ा राय की जय। सब जगह दर्शन बहुत ही मस्त हुए। तो सूरत इधर से 90 किलोमीटर ही बाकी है, और हमने स्टॉप लिया इधर होटल झोटी में लंच के लिए। तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है, तो फटाफट अंदर जाते हैं लंच करके फिर निकलते हैं घर के लिए। रेस्टोरेंट तो काफ़ी बढ़िया है, अभी खाने में देखते हैं क्या क्या मिलता है इधर। बाहर तो लिखा था कि चाइनीज़ पंजाबी और वो सब मिलता है, तो अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है क्योंकि लंच का टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो फिलहाल अभी पूछा मैंने कि साउथ इंडियन के सिवा बाकी सब कुछ मिलेगा, चाइनीज़ पंजाबी वो सब कुछ मिलेगा, तो अभी चाइनीज़ ऑर्डर करेंगे क्योंकि पंजाबी तो 2 दिन से खा रहे, तो अभी ये लोग काठियावाड़ी ऑर्डर करने वाले हैं। खाने में चीज़ कोफ्ता आ चुका है, तो फटाफट खा लेते और फिर चलते। फिलहाल फूड बहुत ही मस्त था, मज़ा आ गया। काठियावाड़ी नहीं मिला इन लोगों को, तो उन लोगों ने वो नहीं मंगाया, चीज़ कोफ्ता मंगाया, पर बहुत अच्छा फूड था। ये देखो लड़कियों का पैकेट लेके घूमता है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट सूरत। रूच आ गया तो मस्त इधर चिक्की मिलती है। घर आ चुके के बाद गुजराती मूवी देखा, और अभी नए नए काफी सारे बॉलीवुड ट्रेलर आए हुए थे तो वो देखा। अभी फिलहाल आज के लिए इधर ही मैं मेरा व्लॉग एंड करता हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।